नमस्कार दोस्तों, मैं रेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे इलाहाबाद विद्यालय अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। इलाहाबाद विद्यालय से संबंधित किसी भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ सटीक एवं सही जानकारी आपको दी जाती है। एक दिन में बहुत सारी वीडियो नहीं बनाई जाती है, जिससे जो जरूरी सूचना रहती है वही मैं आपको पहुँचाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट सूचना वो आपको पहुँचती रहती है। एक्स्ट्रा आपको कोई भी फालतू वीडियो नहीं बनती है, इसलिए आप चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सही एवं सटीक सूचना पहुँचाएंगे। आगे देख लीजिए पूरी न्यूज़ क्या है, आपके कितने अब तक फॉर्म भरे गए हैं। तो अब तक 2 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा दिया। आप देख सकते हैं 1,12,671 लोगों ने अपना फीस जमा करके आवेदन कर दिया। अब देख लीजिए पूरी न्यूज़ देखते हैं। इलाहाबाद विद्यालय एवं संकटक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या पिछले साल के लगभग बराबर पहुँच गई है। पिछले साल 1,14,000 आवेदन आए थे, इस बार 1,12,671 आवेदन आ चुके हैं। देख सकते हैं इस बार 1,12,671 आपके आवेदन आ चुके हैं। क्रेड के लिए 8 दिनों में 888 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। क्रेड के जरिए आप PhD कर सकते हैं, इसका आपका फॉर्म भर सके, इसमें 888 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। आगे देख लीजिए क्रेड को छोड़कर बाटी पाठ्यक्रम में इलाहाबाद विद्यालय एवं कॉलेजों के लिए प्रवेश के लिए आवेदन तिथि 31 अगस्त रखी गई, एकदम गलत न्यूज है। आप देख सकते हैं अमर उजाला की यह न्यूज है, यहाँ देख सकते हैं 31 अगस्त नहीं है डेट आपकी, 20 अगस्त बढ़ा के की गई। ये मैंने आपको सूचना प्रोवाइड कराई थी जब मैंने लास्ट डेट इसकी बढ़ी थी। ऑफिशियल साइट से जाके मैंने उसको पूरा दिखाया था, जो नोटिफिकेशन था, जो आपकी साइट उसमें ऑफिशियल साइट पर आपकी मेंशन की गई जो डेट, वो मैंने आपको दिखाई थी। आप देख सकते हैं अमर उजाला इतना पेपर, इतना बड़ा पेपर, इतनी बड़ी गलती कर सकता है। 31 अगस्त इन्होंने डेट लिखी है थोड़ा, इसलिए मैं कोई भी न्यूज रहती है उसको पहले क्रॉस चेक करता हूँ कि सही जानकारी है या नहीं। मैंने जब यहाँ पर 31 अगस्त मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट खोली, वहाँ अभी भी आपकी 20 तारीख शो कर रहा है। क्रेड की आपकी 28 तारीख है, क्रेड के लिए आपकी 28 तारीख है, जो PhD के लिए आवेदन कर रहे हैं वो उनका 28 तारीख है, लेकिन आपके UG PG के कोर्सों के लिए आपकी 20 अगस्त ही डेट रखी गई। अमर उजाला एक बड़ा न्यूज़पेपर है, ऐसी गलतियाँ इनको नहीं करनी चाहिए, इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आगे देख लीजिए कोई बात नहीं, मैंने क्रॉस चेक किया, इसलिए मैं कोई जानकारी देता हूँ तो वो कई चीज़ों से आपको क्रॉस चेक करता हूँ, ऑफिशियल साइट जाकर देखता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका ऑफिशियल साइट, वही आपकी मान्य रहती, अदर कोई भी आपकी जानकारी ज़्यादा मान्य नहीं रहती, उस पर ज़्यादा भरोसा करिए। और मैं भी आपको सबसे ज़्यादा ऑफिशियल साइट पर ही आपका जानकारी देता हूँ, वहीं से जो भी आपको देता हूँ, जो कि आपको सही एवं सटीक जानकारी पहुँचे, तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सही जानकारी के लिए। जबकि क्रेड के लिए आवेदन तिथि आपकी 28 अगस्त रखी गई, ये सही जानकारी 28 अगस्त थी क्रेड के लिए आपकी। ऐसे आवेदनों की संख्या अभी और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में आवेदकों की संख्या पिछले साल से अधिक होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन COVID-19 के कारण बड़ी संख्या में आवेदन आने पर इलाहाबाद विद्यालय के लिए परीक्षा कराना बड़ा चुनौती बन गया, क्योंकि इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा कराने के अतिरिक्त केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। COVID-19 के कारण आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराना पड़ेगा, तो आपको अपने जो एग्जाम सेंटर वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, अधिक आपको आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम सेंटर की। आगे देख लीजिए परीक्षा 31 सितंबर से प्रस्तावित है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया पहले से। इलाहाबाद विद्यालय प्रशासन ने तय किया है अगर परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं बनती है तो मेरिट के आधार पर 6 छात्राओं का प्रवेश लिया जाएगा। आप देख सकते हैं एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं करा पाते हैं तो यह फिर से मेरिट के आधार पर आपका जो भी एडमिशन होगा, तो देख सकते हैं। बाकी अभी तक तो इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर में न्यूज आपकी आ रही कि मेरिट पे होगा, जब ऑफिशियल न्यूज आएगी तो उसको भी देखा जाएगा। अभी आप बस पढ़ाई करते रहिए, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, आपका मेरिट पे होगा वो सोच रहा है इलाहाबाद विद्यालय, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, जो भी होगा आपका इंट्रेंस के हिसाब से अभी आप तैयारी करिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और सितंबर में अभी काफ़ी समय, तो आप उसको तैयारी करते रहिए अच्छे से। तो अभी इस न्यूज़ का हम दूसरा भाग देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, उसमें हम देखेंगे कितने तक फॉर्म भरेंगे UG PG के सभी कोर्सों में। आगे देख लीजिए प्रवेश के लिए अब तक 2,15,740 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इन्होंने अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। अब तक इनमें से 1,12,671 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली। आपके 1,12,671 अभ्यर्थियों ने पूरा फॉर्म भर दिया। स्नातक में प्रवेश के लिए अब तक जो रजिस्ट्रेशन हुए उनकी संख्या आपके 1,02,480 आपके बच्चों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया, जिन्होंने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया फीस जमा करके, वो हैं आपके देख सकते हैं 62,873 बच्चे हैं आपके, देख सकते हैं इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया फॉर्म की प्रक्रिया आपके फॉर्म भरने की। स्नातक के लिए अब तक देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन हुए वो 44,445 बच्चों ने उसका रजिस्ट्रेशन किया, जो फीस जमा की है वो 17,114 बच्चों ने इसका पूरा कंप्लीट कर लिया फॉर्म। जो पहले संख्या दे रही वो आपके रजिस्ट्रेशन की है, बाद में संख्या दे रही वो उन्होंने जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया फीस जमा करके पूरा फॉर्म, वो है आपके, ये आपके अभी आवेदन माने जाएंगे, ये आपके सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। आगे है IPS के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए देख सकते हैं 23,268 बच्चों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया और देख सकते हैं 2,005 बच्चों ने इसका आपका पूरा फॉर्म फिल किया। BA LLB के लिए देख सकते हैं आपको 11,435 बच्चों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 7,270 बच्चों ने इसको अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। बीएड के लिए 5,900
80 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें 4245 स्टूडेंट ने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया, एमएड के लिए देख लिया 1415 फॉर्म आए उन्होंने, जिन्हें रजिस्ट्रेशन किया गया है कंप्लीट है आपके 1034 बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया, फॉर्म भर दिया। एमबीए आरडी के लिए अब तक 1967 आपके रजिस्ट्रेशन हुए, इसमें 1347 लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। एलएलएम के लिए देख लीजिए 3890 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें 3297 लोगों ने कंप्लीट कर लिया फॉर्म। क्रेट के लिए आपका 1889 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, बाकी 488 लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया फॉर्म। तो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ए आवेदन थे, जो पहली संख्या थी वो आपके रजिस्ट्रेशन थी, बाद में आपके आवेदन थी। तो आप देख सकते हैं अब तक जितने फॉर्म भरे गए आपके यूजी पूजी में, बीएड में, आपके एलएलएम में और आपके बीएलएलबी में, तो सबकी यहाँ पर डिटेल दी गई थी जितने आपके थे। तो अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए, इतने फॉर्म भरे गए। चलिए तो ये था हमारा पूरा वीडियो इलाहाबाद विद्यालय संबंध में, कितने अब तक फॉर्म आए, कितने आपके रजिस्ट्रेशन हुए, कितने पूर्व कंप्लीट आवेदन हुए। फॉर्म भरने की तिथि आपकी 20 अगस्त है लास्ट यूजी पीजी के सभी कोर्सों के, और क्रेड के लिए आपकी 28 अगस्त। तो जो यूजी पीजी के वो 20 अगस्त से पहले फॉर्म भर लीजिए, और क्रेड वाले हैं वो आपके 28 अगस्त। इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो आप तैयारी अच्छे से करिए, जितना समय रिव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए, बाकी जो स्टडी चैनल कर रहा है 30 दिनों का उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपके अब उसको घटा के 15 दिन का कर दिया, उसमें आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसको आप जो भी टॉपिक देंगे अगर ईमानदारी से कर सकते हैं तो आप अच्छा एंट्रेंस में अपना रैंक ला सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो उसका देख लीजिए, आपको मिल जाएगा आपका अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और बाकी चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, स्टडी चैनल से आपका उसको करिए अच्छे से, उसमें टॉपिक दिए गए काफ़ी रिवीजन करिए। और बाकी इलाहाबाद विद्यालय संबंधित किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ आपके लिए सत्य एवं सही जानकारी दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।